बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर इंग्लिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एसेज हैं। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके इंग्लिश के पेपर में जो एसेज के टॉपिक्स होंगे जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसी में से पूछ जाएंगे। ऐसे शुरू करने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ पास करे। आपका जो सेकेंड ईयर का इंग्लिश का एसे है, ये आपने कम अज़ कम 6 से 7 पेजेस का लिखना है और इसमें आपने कम से कम 8 से 10 जो है वो कोटेशन ऐड करनी है और कम से कम 4 से 5 पैराग्राफ बनाने हैं, फिर ही आपको जाके जो ऐसे के पूरे नंबर मिलते हैं। और जब भी आपने ऐसे का सवाल लिखना है, आपने सिर्फ उस टॉपिक के ऊपर लिखना है जिसकी आपको ज्यादा कोटेशन आती हैं और जो आपने अच्छी तरह याद किया हुआ है। तो ये जो सेकेंड ईयर के ऐसे हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। जैसे जैसे नीचे जाता जाऊंगा, जो आपके कम इंपॉर्टेंट ऐसे हैं वो आते जाएंगे, लेकिन जो स्टार्ट वाले 10 से 12 जो ऐसे हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड ऐसे हैं। इंशाल्लाह ताला आपके सेकंड ईयर इंग्लिश के पेपर में जो 4 टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड ऐसे है, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड ऐसे है टेक्निकल एजुकेशन, इसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अ विजिट टू हिल स्टेशन, ये भी बहुत ही ज्यादा आ चुका है, अगर आप पास पेपर देखें तो ये मोस्ट रिपीटेड एसेज है। इसके बाद माय फेवरेट पोएट, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेज है, अल्लामा इकबाल भी आ सकता है, इसको भी अच्छी तरह कीजिएगा। माय हीरो इन हिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट एसेज है। इज साइंस अ ब्लेसिंग अ कर्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो ये ऐसे आएगा या इसके बाद जो आपका जो साइंस के एडवांटेजेस हैं इसके बारे में भी पूछ सकता है, इसको आपने अच्छी तरह करके जाना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला बहुत इंपॉर्टेंट एसेज है और इसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है, माई एम इन लाइफ, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आया जाता है। विलेज लाइफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक नज़र देख लीजिएगा। इसके बाद अब पिकनिक पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, इसको लाजमी कीजिएगा। प्लेस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड ऐसेज है, इसके आने के चांसेस 100% हैं, इसको लाजमी करके जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, ऐसे नंबर 11 है को एजुकेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेज है, हर दफ़ा रिपीट होता है। वाई आई लव पाकिस्तान, ये भी इंपॉर्टेंट एसेज है, इसको भी इंपॉर्टेंट एक लाजमी कीजिएगा। क्रिकेट मैच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो चुका है, इसको लाजमी करके जाइएगा। पोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दफ़ा देख लीजिएगा। लाइफ इन द बिग सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट ऐसे है। टेररिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा, इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके बाद नेक्स्ट करप्शन वाला ऐसे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड ऐसे है, इसके इस दफ़ा आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। पैट्रियटिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड ऐसे है, इसको लाजमी कीजिएगा। माई हॉबी, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, आप कोई भी पेपर उठा कर देख लें उसमें तकरीबन जो माई हॉबी वाला ऐसे है ये अक्सर आया होता है। इसके बाद एटॉमिक एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। इसके बाद यहाँ पे एक मजीद ऐसे आपको बता दूँ जो कि इस दफ़ा आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, जो कि COVID-19 वाला है, या COVID-19 जो है इन पाकिस्तान, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करके जाइएगा। डिग्निटी ऑफ वर्क, इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक नज़र देख लीजिएगा। तो ये थे आपके सेकंड ईयर इंग्लिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड ऐसे हैं। इंशाल्लाह आपके पेपर में सारे के सारे जो एसेज हैं इसी में से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको सेकंड ईयर की जो बोर्ड की इंग्लिश की स्कीम है और जो गेस्ट पेपर है वो ऑलरेडी मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हो चुका है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मजीद कोई सवाल हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जजाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।